तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सुविचार है कि व्यक्ति अपने कर्म से महान बनते हैं, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनते हैं, ना कि अपने जन्म से। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 2.3 का उदाहरण 6 और 7 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 2.3 का प्रश्न 1 इम्पोर्टेंट पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग प्रश्न 6 को हल करते हैं। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, है ना, 2.3 पढ़े थे और भागफल और शेषफल निकालना सीखे थे। क्या सीखे थे? भागफल और शेषफल। यहाँ भी हम लोग सीखेंगे भागफल और शेषफल। यहाँ बोला गया है आप लोग को, है ना, सिर्फ भाग दीजिए। क्या बोला गया है? लेकिन आपको खुद समझना है हमको क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। आप लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, है ना, पर यहाँ उदाहरण है तो सिर्फ बोल दिया है भाग दीजिए, क्या दीजिए, लेकिन आपको खुद समझना है हमको क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। ऐसे प्रश्न आप लोग को दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, एग्जाम में आएगा तो दिया हुआ रहेगा आप लोग को, और इम्पोर्टेंट भी है ना, इसलिए रिपीट करके बताया। उदाहरण 6 और 7 आज पढ़े, है ना। हल में क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि px = बोलिए 2x² + 3x + 1 को gx = x + 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर, है ना, देने पर अब ध्यान देंगे, x + 2 इधर क्या लिखेंगे, 2x² + 3x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, आप लोग समझ में आ रहा है ना? पिछला वीडियो में ऐसा पढ़े थे कि नहीं, पिछला प्रश्न मतलब पढ़े थे ना, आया ना समझ में? अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर, नोट एक पिछले बार भी बताए थे ना, ऐसा आसान से बताए थे, आप लोग समझ में आया था पिछला वीडियो। फर्स्ट में क्या है बाबू इसका, एक्स, इसका इसका फर्स्ट में क्या है, 2x² कैसे बराबर करना, एकदम आसानी से बराबर कर पाएंगे, है ना, आप लोग बताइए। तो इधर क्या है, x² और इधर क्या है, x, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को बराबर करते हैं, किसको, नंबर को। तो इधर 2 है ना, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब बताइए इधर x कितना, पावर 2 है ना, और इधर कितना है, 1 है। तो बताए थे आप लोग बाबू, है ना, कि x * x क्या बनता है, x² और x² * x रहेगा तो क्या बनेगा, x³ बनेगा कि नहीं। तो अभी तो हमको स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, एक इस एक है ना x, और क्या चाहिए, एक x चाहिए, हाँ कि नहीं, आप बताइए। x * x² बनेगा, देखिए यहाँ पर x * x² है कि नहीं, जल्दी बोलिए, 2 है तो 2 भी है, तो बराबर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा बात। अब ध्यान देंगे, जो लिखे हैं ना बराबर करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करना रहता है इससे, किसे, x + 2 से x + 2। अब ध्यान देंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ नंबर 9 है तो 2 रह जाएगा, x क्या बनेगा, x² प्लस है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4, और x है तो x, उतार दीजिए, उतारिए, बोलिए 2x² + 4x होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ पर क्या साइन देंगे, प्लस था तो क्या देंगे, प्लस था तो क्या देंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ क्या साइन है, माइनस, और ऊपर क्या साइन है, प्लस, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। यहाँ क्या साइन है, प्लस, यहाँ नीचे क्या साइन है, माइनस, तो घटेगा कि जुटेगा, अपोजिट साइन हमेशा क्या होगा, घटेगा। आप बताइए 4x और यहाँ 3x है ना, तो 4x बड़ा है कि 3x बड़ा है, 4x, इसी का साइन होगा माइनस, है ना, तो 4x में 3x घटा दीजिए तो x बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ कहाँ साइन है, प्लस, तो क्या उतार देंगे, 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान देंगे, है ना, ये तो 1 का था ना, ये 2 का देखिए, फिर बताइए इसका फर्स्ट में क्या है बाबू, x है, आ रहा है समझ में ना,
और इसका फर्स्ट बताइए क्या है, माइनस एक्स है, क्या चीज है, माइनस एक्स। अभी कैसे बराबर करेंगे, ध्यान देंगे ना, एक्स है इधर भी क्या है एक्स है, तो बराबर करने के कैसे करेंगे, इधर माइनस है ना तो हम लोग माइनस लिख दिए, लिख दिए ना, अब कुछ नहीं है ना इधर, तो लिख देंगे वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब माइनस वन जो है ना उसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू से, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से रिपीट कर रहे ना, इसका फर्स्ट में क्या है बाबू एक्स, इसका फर्स्ट में क्या है माइनस एक्स, है ना। बराबर करने का तरीका बताया था ना आप लोग को, पहले नंबर को बराबर करेंगे या तो माइनस को, है ना, नंबर को, इसके बाद माइनस प्लस जो भी है, एक्स है तो इधर भी एक्स है, इधर माइनस है तो बराबर कर रहे हैं तो माइनस लिखिए, सबसे पहले माइनस का लिखें, उसके बाद देखिए दोनों तो इक्वल हो गया लेकिन वन, अब बताइए वन क्यों लिखिए उसका भी बता देते ना। अब आप बताइए वन को कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या होगा जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट फाइव को वन से करेंगे तो कितना आएगा बाबू फाइव, तो एक्स को वन से करेंगे तो कितना आएगा एक्स, यानी जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आता आता है कि नहीं, इसलिए वन से किए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो मल्टीप्लाई करें इसको तो माइनस एक्स बनेगा, माइनस प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए टू बने, वन को टू से करेंगे तो क्या बनेगा बाबू बताइए, माइनस एक्स माइनस टू घटाने पर, यहाँ पर क्या साइन देंगे, यहाँ पर क्या देंगे प्लस, नीचे क्या साइन है प्लस, ऊपर क्या साइन है माइनस, आ रहा है समझ में ना, तो कटेगा, और नीचे क्या साइन है प्लस, ऊपर क्या साइन है प्लस, तो देखिए नंबर नंबर है ना, और दोनों का साइन सेम है कि अपोजिट है, सेम है तो जुटेगा घटेगा, तो क्या हो जाएगा थ्री, तो ये तो मेरा शेष फल है, ये मेरा क्या है शेष फल। अब आप लोग भागफल बताना है, क्या बताना है भागफल, अभी तो भागफल हम लिखे भी नहीं है, ये आपको काम है ना बताना आप लोग को, है ना। तो सबसे पहले भागफल क्या बराबर किए थे बताइए, यहाँ पर क्या किए थे 2x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू 2x। अब बताइए नेक्स्ट वाला बताइए आप लोग, माइनस वन, वेरी गुड, यही आपका क्या है भागफल, क्या है भागफल। तो अतः बताइए बाबू भाग फल कितना आया 2x माइनस वन और शेष फल बताइए कितना है थ्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग को आंसर। अच्छा यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत डाउट नहीं है, समझ में आ गया, और आप लोग को बाबू आप लोग आया तो ध्यान देंगे बिल्कुल, अगर एक बार है ना ध्यान से पढ़िए समझ में आ जाएगा, है ना। तो भी अगर कुछ और प्रॉब्लम दिक्कत होगा, है ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और आप लोग ये प्रश्न को एक बार ना दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग आसानी समझ में आएगा, है ना। और वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं एक बार देखिए, समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आसानी से आप लोग आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न उदाहरण मतलब सेवन को हल करते हैं, उदाहरण सेवन को, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। माना कि पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, यही ना, थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव को, है ना, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करना है भाग देना है, है ना, भाग दीजिए, मतलब फिर से हमको क्या निकालना है भागफल और शेषफल को जी एक्स इजकल टू क्या लिखना है वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू स्क्वायर, और ऐसा लिख सकते हम लोग, सजा दीजिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्या लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, आप लोग ऐसा क्यों किए सजा दिए, है ना। एग्जाम्पल अगर थ्री प्लस फोर है तो क्या फोर प्लस थ्री लिख नहीं सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होगा सेवन, दोनों का होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऐसा किया है ना, सजा दिए इसको, है ना।
अब ध्यान देंगे, बताइए क्या लिखना हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टू एक्स है ना, टू एक्स प्लस वन है। इधर बताइए थ्री एक्स क्यू प्लस 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 फाइव है ना। बताइए आप लोग ना, इसका फर्स्ट में क्या है, इसका फर्स्ट में क्या है, थ्री एक्स क्यूब है, थ्री एक्स क्यूब है। नंबर पहले बराबर करिए, इधर नंबर है ना, इधर नहीं है तो पहले थ्री लिख दिए, क्या लिख दिए, इधर क्या है एक्स क्यू और इधर क्या है एक्स स्क्वायर, और एक चाहिए कि नहीं, तो ठीक है यहाँ तक। तो थ्री एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन से करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई करिए, थ्री आ जाएगा ना एक्स और एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स क्यू बनेगा, प्लस है तो थ्री को टू करिए सिक्स, एक्स और एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो थ्री एक्स को वन करिए तो थ्री एक्स। फिर ध्यान दीजिए इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो थ्री का थ्री रह गया एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, प्लस है तो थ्री को टू करिए सिक्स, एक्स एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो थ्री एक्स को वन से तो थ्री एक्स उतार दीजिए यहाँ पर, थ्री एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। बताइए यहाँ पर क्या लिखना है, घटाने पर माइनस 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 कटेगा, क्योंकि प्लस था नीचे का है माइनस, कोई दिक्कत, यानी प्लस था का लिखना हमको माइनस, प्लस था तो प्लस था तो नीचे माइनस ऊपर प्लस सेम है, कट गया कि नहीं थ्री एक्स क्यू और थ्री एक्स क्यू। ध्यान देंगे नीचे क्या साइन है माइनस, नीचे क्या साइन है ऊपर क्या साइन है प्लस, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी क्या है स्क्वायर, तो है ना, इसका साइन माइनस इसका साइन क्या है प्लस, तो सिक्स एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि सिक्स मैंने बड़ा है ना, बड़ा डिजिट का क्या है साइन, मतलब सिक्स एक्स बड़ा है कि मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है, सिक्स एक्स स्क्वायर बड़ा है इसलिए उसी का साइन लिखेंगे, है ना माइनस में, कोई दिक्कत। आप ध्यान देंगे नीचे क्या साइन है ऊपर क्या साइन है प्लस, यहाँ भी एक्स यहाँ भी क्या है एक्स, तो बताए हैं आप लोग ना, अगर दोनों में अगर एक्स एक्स रहेगा तो भी जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा दोनों में तो भी जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन अगर पावर डिफरेंस रहे तो क्या करेंगे, जोड़ भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है ध्यान देंगे। तो ऊपर प्लस और नीचे क्या है माइनस, अभी घटेगा कि नहीं, तो थ्री एक्स में टू एक्स क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि थ्री का साइन, थ्री एक्स का साइन क्या है माइनस, मतलब माइनस बड़ा का साइन क्या है माइनस, कोई दिक्कत, उतार दीजिए इसको, प्लस है तो प्लस फाइव, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नोट में आइए आप, है ना, फर्स्ट नोट था, फर्स्ट में क्या है बाबू एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट में क्या है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देंगे इधर क्या एक्स स्क्वायर है, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इधर माइनस फाइव है तो मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे माइनस फाइव, बराबर हो गया दोनों तरफ, देखिए तो माइनस फाइव है तो माइनस क्या है फाइव, इधर एक्स स्क्वायर इधर का है एक्स स्क्वायर। अब माइनस फाइव को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई करिए माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, पाँच को दोस्त करिए टेन एक्स दस एक्स, फिर से माइनस प्लस माइनस फाइव को वंस करिए फाइव, कोई दिक्कत, रिपीट कर रहे ना, माइनस प्लस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, और फाइव को टूस करिए टेन और एक्स है तो एक्स, माइनस प्लस माइनस फाइव को वंस करें कितना आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है आ रहा समझ में ना, बहुत कठिन तो प्रश्न नहीं है, नहीं है उतार दीजिए इसको, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स होगा माइनस फाइव, इधर क्या लिखेंगे हम लोग घटाने पर, यहाँ पर क्या साइन देंगे प्लस, यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर क्या देंगे माइनस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस था तो कटेगा ठीक।
नीचे क्या साइन है, ऊपर का साइन है, तो 9x बचेगा प्लस 10x में माइनस x घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस प्लस 10x में माइनस x घटाएंगे तो प्लस 9x बचेगा, क्योंकि इसका साइन क्या है, बड़ा है, मतलब 10x का साइन क्या है, मतलब बड़ा है ना, मतलब बड़ा मतलब समझ में आ रहा है ना, 10x बड़ा है किससे, x से, इसीलिए इसका ही साइन लिखेंगे प्लस में, क्लियर। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, दोनों जुट जाएगा, फाइव फाइव कितना होगा 10, यानी 10 हो गया, कोई दिक्कत, आप यहाँ स्क्वायर यहाँ नहीं है, यही आपका सेंसफल हो गया, क्या हो गया आपका, ठीक है। अब आप लोग भागफल बताइए, भागफल कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में किसको बराबर किए थे 3x, नेक्स्ट बार में किसको किए थे माइनस 5, ये आपका क्या हो गया। अब फिर से वो रिपीट कर रहे हैं ना, भागफल कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में किसको बराबर किए थे 1 में 3x को, सेकंड में किसको किए थे माइनस 5, ये आपका क्या होगा भागफल, ये क्या होगा आपका शेषफल। कैसे जानेंगे शेषफल, यहाँ स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नहीं है, ये छोटा हो गया भाग नहीं लगेगा, तो ये आपका क्या होगा शेषफल। तो अतः भागफल बताइए आप लोग क्या होगा, 3x-5, और शेषफल बताइए 9x+10 क्या होगा, 9x+10, यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है। तो बाबू आज का क्लास आप लोग को समझ में आया, और आप लोग को और आप लोग ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।